बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। आज हम लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी की एक रचना पढ़ेंगे। इस रचना के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि किसी इंसान की पहचान उसकी वेशभूषा से नहीं होती। कोई सिर्फ चोगा पहन लेने से संत नहीं बनता, बल्कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी अगर आप मन से संतों वाला आचरण अपना लें तो भी संत बन सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से कवि ने समाज की रूढ़िवादी सोच को आईना भी दिया है। ये कहानी है बाल गोविंद भगत की। बाल गोविंद 60 साल के मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल पक चुके थे, लंबी दाढ़ी तो नहीं थी, लेकिन चेहरे पर सफ़ेद बालों से एक चमक सी रहती थी। कपड़े भी बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों वाली टोपी, बस यही उनके वस्त्र थे। हाँ, सर्दियों में ऊपर से एक कंबल ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन और गले में तुलसी की माला होती थी। लेकिन बाल गोविंद कोई साधु नहीं थे, बल्कि गृहस्थ जीवन जीते थे और अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। बाल गोविंद गृहस्थ होने के बावजूद भी साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। वह कबीर को अपना साहब मानते थे, दिन भर उन्हीं के गीत गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। वह ना किसी की कोई चीज़ लेते थे, ना किसी से बिना मतलब का झगड़ा करते थे, सबसे एकदम खरा व्यवहार रखते थे। उनकी हर चीज़ साहब की ही थी। उनके खेत में जो भी उगता था वह उसे अपने सर पर रखकर चार कोस दूर साहब के मठ में दान कराते और जो भी उन्हें प्रसाद में मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजारा करते। इन सबसे ज़्यादा उन्हें उनके मधुर गाने ने मुग्ध किया था, जो उन्हें सदा भी सुनने को मिलते थे। बाल गोविंद कबीर के सीधे साधे पद को सजीव कर देते थे। आषाढ़ के महीने में जब समूचा गांव खेतों में फसल की बुवाई करने उतरता है, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपण हो रहा है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे होते हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी होती हैं। उस वक्त सबका मन एक आवाज़ की तरफ आकर्षित होता है। यह आवाज़ है बाल गोविंद भगत की। बाल गोविंद भी अपने खेतों में रोपण कर रहे हैं। उनकी उंगली धान के किसी पौधे को पंजीबद्ध खेत में बिठा रही होती है और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर सर को भेज रहा है तो कुछ को नीचे की तरफ। बच्चे, औरतें, खेतों में काम कर रहे मजदूर सब उनके गीत का आनंद लेते हुए मस्ती में झूमते हुए अपना काम करते हैं। बाल गोविंद का संगीत किसी जादू से कम नहीं। एक बार भादों की अंधेरी रात में जब मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, तब दिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में नहीं डुबा पाती है। उनकी खंजड़ी बजने लगती है और वह अपने संगीत का जादू बिखेरने लगते हैं। उस अंधेरी रात में उनका संगीत अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देने वाले था। जब सारा संसार सो रहा होता था, तब बाल गोविंद का संगीत जाग रहा होता था। कार्तिक मास आते ही बाल गोविंद की भातियां शुरू हो जाती है। इन दिनों सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान करने जाया करते और लौटते वक्त गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और गीत गाना शुरू कर देते। लेखक हमेशा ही देर से सोकर उठते थे, लेकिन एक दिन माघ की किटकिटाने वाली भोर में वह पोखर तक उनका गाना सुनने गए थे। गर्मियों में बाल गोविंद अपने आंगन में ही बैठ जमाते थे। शाम के वक्त आंगन में चटाई बिछा लेते और आसपास से कुछ लोग इकट्ठे हो जाते, फिर वह भजन गाते और फिर सारे नाचते गाते मनोरंजन लेते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। बाल गोविंद की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन दिखा जिस दिन उनका बेटा मरा था। उनका बेटा मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं था, इसलिए वह उससे बेहद प्रेम करते थे। उसकी शादी भी बड़े धूमधाम से कराई थी। जब उनके बेटे की मृत्यु की खबर गांव में फैली, तब लेखक भी कौतूहलवश उनके घर गए। लेखक ने घर जाकर देखा कि बेटे को आंगन में चटाई पर लिटा करके सफ़ेद कपड़े में ढक रखा है और उस पर कुछ फूल भी रखे हैं। सिरहाने एक चिराग जलाकर रखा है और खुद सामने ज़मीन पर बैठकर गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही होती है, किंतु बाल गोविंद सिर्फ गाए जा रहे हैं। कहते हैं आत्मा परमात्मा के पास चली गई, भला इससे बड़ा आनंद की बात और क्या हो सकती है। बाल गोविंद बेटे का क्रिया कर्म अपनी पतोहू से ही करवाते हैं और जो ही श्राद्ध की अवधि खत्म होती है, पतोहू के भाई को बुलाकर उसे उसके साथ भेज देते हैं और आदेश देते हैं कि उसकी दूसरी शादी करवा दो। पतोहू ला गिड़गिड़ाती है, पर बाल गोविंद उसकी एक नहीं सुनते और खुद घर छोड़ने की धमकी दे उसे उसके भाई के साथ भेज देते हैं। बाल गोविंद हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा उनके घर से करीब 30 कोस दूर थी। बाल गोविंद ने हमेशा ही साधु का जीवन जिया था। गंगा स्नान करने के लिए निकलते, तब घर से खाकर निकलते और वापस घर आकर ही खाते। ना रास्ते के लिए कुछ ले जाते और ना ही किसी से भिक्षा मांगते।
गंगा स्नान करके आने में उन्हें करीब 4-5 दिन लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उसी मस्ती उल्लास में गाते जाते और गाते हुए आते। लेकिन बाल गोविंद का शरीर पूरा हो चुका था। एक बार जब वह गंगा नहाकर लौटे तो तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी रोज खेतों में काम करते, गाना गाते, संध्या स्नान करते, फिर इतने बीमार पड़े कि उन्हें अब बुखार आने लगा। लोगों ने स्नान करने से मना किया और आराम करने को कहा, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी। एक संध्या जब वह गीत गा रहे थे तो उनकी आवाज़ में वह जादू नहीं था, मालूम होता जैसे ताकत टूट गई हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। अगले दिन सुबह गांव में किसी ने उनका गीत नहीं सुना। जब सुबह लोगों ने उनके घर जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे थे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये रहे प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, आज का पाठ यहीं खत्म होता है। आशा है कि आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।